हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन मॉम इन किचन में स्वागत है आपका। ये एक हलवे की रेसिपी लेकर के आई हूँ। इसे मैंने मात्र दो इंग्रेडिएंट्स मिला करके बनाया है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। सबसे पहले हमने कढ़ाई को गर्म कर लिया। कढ़ाई में मैंने एक कड़छी भर करके घी डाली थी, जो लगभग 7 टेबल स्पून थे, और 7 टेबल स्पून ही हमने इसमें बाकी मटेरियल्स भी डालना है। जैसे 6 टेबल स्पून मैंने भर करके इसमें बेसन डाला है। 6 चमचे बेसन डालने के बाद मैं इसे थोड़ी अच्छी तरह से चला लूँगी, और चलाने के बाद फिर मैं इसमें 1 चम्मच भर करके सूजी मिलाऊँगी। बेसन के साथ सूजी अवश्य मिलाइएगा, उससे इसका बहुत ही अच्छा टेक्स्चर आता है और बिल्कुल दानेदार लगती है, खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। और देखिए, मैंने 1 चम्मच भर करके इसमें सूजी मिला दिया है। सूजी अवश्य मिलाइएगा, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आता है, और मैंने पहले भी बताया कि टेक्स्चर भी बहुत अच्छा आता है। और अब मैं दोनों को मिला के अच्छी तरह भून लूँगी। हमें इसे एकदम सोंधी सोंधी खुशबू आने तक, और जब तक ये मिक्सचर थोड़ा सा घी रिलीज ना करने लगे तब तक पकाना है। साइड में मैंने देखिए 1/2 कप चीनी लिया है, और उसमें मैंने 1/4 कप पानी डाला है। अब मैं उसका चाशनी बना लूँगी। 1/2 कप चीनी भी लगभग हमारे 60 टेबल स्पून मैंने इसमें बेसन दिया है, तो लगभग 10 टेबल स्पून मैंने इसमें चीनी डाला है। मैंने नॉर्मल 1 टेबल स्पून से चीनी डाला है तो सबसे अच्छी रहेगी। आप 1/2 कप चीनी ले लीजिएगा, और उसमें आप 1/4 कप पानी दे के उसे पिघला लीजिए। कभी भी इसमें खड़ी चीनी को मत डालिए। जब भी आप बेसन की के हलवे को बनाइए तो उसमें दो काम अवश्य कीजिए। एक तो उसमें थोड़ा सा सूजी अवश्य मिलाइए, आप चाहें तो 1/2 भी मिला सकते हैं, लेकिन मैंने 1 टेबल स्पून ही मिलाया। और दूसरा, जब भी आप चीनी डालिए उसका थोड़ा सा चाशनी बना लीजिए, जितना भी चीनी आपको डालना है उसके बाद डालिए, उससे बहुत ही अच्छा हलवा बनता है, एकदम आपको मार्केट स्टाइल का बनेगा। और अब मैंने इसमें 1/2 टीस्पून भर करके इलायची पाउडर डाल दिया है। इलायची पाउडर भी मैंने शुरू में नहीं, देखिए हमारी चाशनी बन गए, हम इलायची पाउडर भी मैंने शुरू में नहीं डाला है, क्योंकि शुरू में डालने से हमारी इलायची बहुत ही डेलिकेट होती है, खुशबू में इसकी खुशबू ख़त्म हो जाती। और अब मैं इसमें 2 टीस्पून भर करके केसर, जो मैंने गुलाब जल में घोल के रखा था, उसे डाल दूँगी। 2 टीस्पून ही डालूँगी। आपके पास अगर केसर नहीं है तो आप छोड़ दीजिए, लेकिन फूड हो सके तो आप फूड कलर डाल सकते हैं, लेकिन फूड कलर का इस्तेमाल जितना कम हो सके उतना कम कीजिए, केसर सबसे अच्छा होता है। देखिए कितनी अच्छी इसमें कलर भी आ गई है, और बहुत ही अच्छी इसमें से खुशबू भी आ रही है। अगर आप डालना चाहें तो पिंच ऑफ फूड कलर डाल सकते हैं। और देखिए, अब हम अच्छे से हमारे बेसन और सूजी के मिक्सचर को मैं अच्छी तरह से चलाते हुए भून रही हूँ। अब इनका कलर थोड़ा चेंज हो रहा है, और धीरे धीरे ये घी रिलीज करेंगे। मैंने इसमें कोई ज़्यादा घी नहीं डाला है, देखिए बस इतना ही डाला है मैंने, कि जिससे हमारे हलवे बहुत अच्छी तरह से बन जाए। फ्रेंड्स, हलवे कभी भी बहुत ज़्यादा घी देने से अच्छे नहीं बनते हैं, बल्कि उनकी भुनाई बहुत अच्छी होनी चाहिए, टाइम से होनी चाहिए। जितने देर हमें भूनना है कम से कम उतनी देर भुनाई होनी चाहिए उनकी, जिससे हमें अच्छी तरह से इनकी गुठलियों को तोड़ते हुए भूनना है। दोस्तों, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर भी अवश्य कीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल आप लोगों के हिसाब की ही रेसिपी लाती हूँ, जैसे मिडिल क्लास में बनते हैं और जैसे हम लोग खाना पसंद करते हैं। बिल्कुल मैं कोई हाई फाई रेसिपी लाती नहीं हूँ दोस्तों, बिल्कुल घरेलू चीज़ों से बनी हुई रेसिपी लाती हूँ। और देखिए, अब मैंने इसमें केसर वाले पानी को डाल दिया है, जिस चाशनी में मैंने केसर डाला था उसे डाल दिया है। और अब हमें इसे अच्छी तरह से जल्दी जल्दी चलाना है, और यहाँ पर मैंने फ्लेम को अब हाई कर दिया था। यहाँ पर फ्लेम को हाई रखिएगा, धीमी आंच पर रखने से गुठलियाँ बन जाएंगी, लेकिन इस तरह से अगर आप चाशनी बना के डालिएगा तो गुठलियाँ बिल्कुल नहीं बनेंगी। देखिए, बस हमें इसे अच्छी तरह से चलाते रहना है,
और हाई हीट पनीर मैंने रखा है जिसमें कि हमारे सारे चाशनी उसमें मिल जाए, एब्जॉर्ब हो जाए। और अब मैंने फिर से इसमें एक टेबल स्पून भर करके घी डाल दिया है। ऊपर से घी अवश्य डालिएगा, उससे घी बहुत ही अच्छा ऊपर से दिखता है। आप भूनते समय कितना भी घी डालिए, घी ऊपर नहीं आएगा। ऊपर से इसलिए सर्व करने से पहले थोड़ा सा घी अवश्य डाल दीजिए। अगर आप पूरा घी में नहीं बनाना चाहते हैं तो आप किसी भी रिफाइंड ऑयल में बनाइए और ऊपर से एक टेबल स्पून घी डाल दीजिए, उससे उसका फ्लेवर भी अच्छा आएगा और घी भी ऊपर में पूरी तरह से दिखती है। अब देखिए हमारे बेसन और सूजी के हलवे बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब मैं इसे एक बाउल में निकाल के सर्व करूँगी और ऊपर से मैं ड्राई फ्रूट डाल दूँगी। बहुत ही टेस्टी और देखने में अच्छे सुनहरे मेरे हलवे बिल्कुल रेडी है। अब मैंने सभी हलवों को एक बाउल में निकाल दिया है और अब मैं इसे अपने कैसोनट से, जिसे मैंने हल्का फ्राई करके रखा था, उससे मैं अच्छी तरह से डेकोरेट कर लूँगी और डेकोरेट करने के बाद मैं इसे सर्व करूँगी। तो देखिए इस तरह से मेरे हलवे बिल्कुल खाने के लिए रेडी हो गए हैं दोस्तों। इससे आप भगवान को भोग लगाइए, खुद खाइए, बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस। देखिए मैंने इसे सर्व कर दिया है, बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस। देखने में ही नहीं, खाने में भी बहुत अच्छे बने थे। आप लोग इस हलवे की रेसिपी को ज़रूर बना के देखिए, बहुत टेस्टी लगेंगे। हलवा देने के बाद तो एक सब्सक्राइब बनता ही है दोस्तों। आप लोग प्लीज़ इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगी ये रेसिपी। मुझे आज्ञा दीजिए फ्रेंड्स, जब तक के लिए नई रेसिपी लाती हूँ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।